विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है, क्योंकि जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का, बोलने का, अपनी राय जताने का, तो वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया, वॉकआउट किया और बाहर जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को मिल रहे हैं। उसके लिए तो 300 दिन है ना, जो 70-80 दिन चलती है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में बोलने के लिए है, और किसी ने हमारे तरफ से किसी को बोलने के लिए रोका नहीं था। इतने महत्वपूर्ण किसान का विधेयक हुआ, उस पर चर्चा भी हुई, जिस तरह से विपक्ष पेश आया वो लज्जा का विषय है, वो शर्मसार कर दिया उन्होंने राज्यसभा को। उनको डिवीजन चाहिए था। उपसभापति जी ने लगातार कहा कि आप अपने सीट पर जाओ, डिवीजन मांगो, मैं दूंगा, लेकिन नहीं किया। अब ये जाके सब जगह शिकायतें कर रहे हैं, ये तो चोरी और सीनाजोरी का मामला हो गया। देश के किसानों को एक वरदान मिला है। ये कह रहे थे एमएसपी नहीं होगी, एमएसपी हो गई, अब खरीद होगी, तो फिर इन्होंने कहा था एपीएमसी बंद होगी, नहीं हो रही है। तो ये जो काम किया है विपक्ष ने, बहुत ही गलत काम किया है।